हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल बीएसए जयपुर। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी, आज एक बहुत जबरदस्त सा कंसेप्ट आपके लिए लेकर के आए बेटा, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे किस चैप्टर में? पार्टनर के केसेस में, राइट? हमने फंडामेंटल जो पार्टनरशिप के थे वो पढ़ रहे थे हम, है ना। इसमें ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, एंड दैट इज नोन एज दी ड्रॉइंग्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस कोई पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है, है कब से जाना है और कैसे उसकी जो ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे, आज हम देखने वाले हैं क्लास में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इट सेज बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर तो पार्टनर जो है वो रेगुलर अमाउंट्स विड्रॉल कर रहा है भाई, या पूरे साल में उसने एक बार विड्रॉ किया, तो सिंपली हम मल्टीप्लाइड बाय दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको निकाल सकते थे। लेकिन तब क्या हो जब एक ही तरीके का अमाउंट वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है या फिर हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, इन दैट केस कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आइए देखते हैं। सो व्हेन, ये फर्स्ट केस है, व्हेन अमाउंट, और सिंपली वी कैन से ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा समझने के लिए बेटा। सपोज एक्स एक पर्सन है सर, विड्रॉज रुपीज 10,000 पर मंथ, ठीक है। आईओडी जो उसमें क्वेश्चन में गिवन था दैट वॉज 8%। आपसे पूछता है कि साहब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दो। मैंने कहा सर क्या फॉर्मूला रहने वाला है? तो बड़ा सिंपल इजी फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा इसके लिए। एंड दैट फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं हमारे ही इस क्वेश्चन में, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा बेटा। सो अगर एक्स ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपए पर महीना, तो टोटल विड्रॉल उसका कितना हुआ होगा पहले तो मुझे ये बताओ आप बेटा। टोटल विड्रॉल जो उसका रहा होगा दैट विल बी 10,000 इंटू फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 1,20,000 रुपीज, राइट, 1,20,000 ये उसका अमाउंट ऑफ विड्रॉल रहा होगा जो उसने पूरे साल में विड्रॉ किया है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना उस पर चार्ज किया जाएगा। फॉर दैट मैटर जितना इसका टोटल विड्रॉल है पहले इसे लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, दैट इज 8/100। नाउ यहां पर जो स्पेशल पार्ट है अब आने वाला है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। देखिए हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉल किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉल किया जा रहा है, यानी फर्स्ट जो ड्रॉइंग की गई होगी वो की गई होगी 1 अप्रैल को, एंड जो लास्ट ड्रॉइंग की गई होगी दैट विल बी ऑन 1st of March, राइट। तो 1st अप्रैल से 31st मार्च तक कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, दैट इज 12 whole months, एंड इफ वी टॉक अबाउट 1st मार्च से लेकर के 31st मार्च तक, तो कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग हुए बेटा, ओनली 1 month। यही तो है कि भाई फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद में कितने मंथ लेफ्ट है, एंड सेकेंड जो लास्ट ड्रॉइंग है उसके बाद में कितने मंथ्स आपके पास बचते हैं अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज होने में, इन दोनों को हमें लेना है। तो हेयर वी हैव 12 एंड 1, बोथ विल बी एडेड, डिवाइड किया जाएगा किससे बेटा, 2 से। तो 12 प्लस 1 विच इज 13 डिवाइडेड बाय 2,
दैट विल गिव यू 6.5, राइट। तो हम जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, यहां पर वी विल सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 12, ओके, दैट्स द केस। क्या ये चीज क्लियर है हम सबको? बिल्कुल सब, बिल्कुल। सो हियर वी हैव दी, अब इसी के आगे हम इसको देखते हैं साहब, ठीक है। चलिए जी, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको सिंपली 1/12 से। या आप सिंपली आप इसको 1/12 अब ना भी लिखें तो भी चलेगा, 6.5 से आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सो 20 से 20 वी हैव कैंसल्ड, एंड डेसिमल से 10 वी हैव ऑल्सो कैंसल्ड, 12 10 जी, then 10 into 8 will be 80 and 80 into 65 will be simply 5200, right? So this will be the amount of interest जो कि हमारा रहने वाला है, charge किया जाएगा, right? Is it clear to everyone? क्या ये हमारे सबको clear है बेटा जी? चलिए तो आगे चलते हैं second case में। ये था हमारा first case, now let's talk about the second case, when same amount is withdrawn in the middle of every month, कि हर महीने के मिड में सेम अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। वही पर्सन है हमारा, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं अपन अपना, कि एक्स है विड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ इन द मिडल, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ। आईओडी जो है दैट इज एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। 8% पर एनम हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। जो एक्स पर्सन है भाई, एक्स पार्टनर जो है, वो हर महीने कितना पैसा निकालता है, 10,000 रुपए, लेकिन निकालता कब है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो इन दिस केस हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, आइए देखते हैं बेटा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल इट इज। पहले वो फॉर्मूला से हम इसको करके देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो ड्रॉइंग की गई होगी वो कब की गई होगी हमारी, 15th of April को, क्योंकि मिडल ऑफ मंथ है। एंड लास्ट जो ड्रॉइंग की गई होगी वो कब की गई होगी, दैट वॉज ऑन 15th of March, 15 मार्च को लास्ट ड्रॉइंग की गई होगी। तो आफ्टर 15th of April हमारे पास कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग है टिल द अकाउंटिंग पीरियड गेट्स क्लोजेस, तो 31 मार्च को क्लोज होता है ना बेटा अकाउंटिंग पीरियड, तो है ना। तो कितना टाइम बचा है हमारे पास देखते हैं। देखिए हाफ मंथ तो हमारे पास अप्रैल का है, राइट, 0.5 मंथ तो किसका है, अप्रैल का, राइट। देन फॉर मे इट विल बी फुल, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी एंड मार्च, दिस इज होल। नाउ टोटल में अगर हम काउंट करें तो कितने मंथ्स हो गए, 3 + 3 = 6, राइट, 7 8 9 10 11 एंड हाफ मंथ ऑफ अप्रैल, दैट मींस 11.5 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए बेटा, 11.5 मंथ्स। नाउ लास्ट ड्रॉइंग हुई थी 15 मार्च को, तो लास्ट ड्रॉइंग से लेकर के अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने में कितना टाइम था, 31 मार्च को क्लोज होता है ना, दैट मीन 0.5 मंथ्स हेयर ऑन, सो हेयर वी विल राइट 0.5 मंथ्स एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी 12/2 विच इज 6। नाउ इन आर केस वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग व्हेन द ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो भाई 10,000 रुपए निकाले थे, ठीक है, 12 महीने तक निकाले थे, तो भाई कितने पैसे निकाल लिए, आज तक विड्रॉ कितने कर लिए, 1,20,000 रुपए। नाउ 8% वॉज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड 6/12 विच वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दिस विल बी द इंटरेस्ट विच वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ 2 zeros अगेन, सो 4,800 that will be the interest on capital which interest on drawing which will be charged from the acts, right? Is it clear to everyone?
आई होप। नाउ अब हम इसी में एक केस और देखेंगे विच इज द केस सी व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने के एंड में अगर कुछ सेम अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, लेट्स सी दैट। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो टोटल जो एक्स पर्सन था उसने विड्रॉ किया कितना, रुपीज 10,000 पर मंथ एट द एंड। ठीक है, नाउ आईओडी वॉज 6% पर एनम फॉर एग्जाम्पल। ओके, इन दिस केस हम 6% ले लेते हैं, या चलिए जो कंसिस्टेंट है उसी को चलने देते हैं, लेट इट बी 8%। ओके, सो हाउ मच द अमाउंट, वो कितने से अपन वो मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। सो आइए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज पीरियड, देखिए फर्स्ट ड्रॉइंग जो की होगी दैट विल बी ऑन 30th of April। सो फ्रॉम 30th of April 31st March तक अगर हम देखें तो कितना मंथ हो गए बेटा, मे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, सो 11 होल मंथ्स आर देयर, राइट। एंड आफ्टर लास्ट ड्राइंग वाज मेड ऑन 31st of March, तो 31st of March से 31st of March को ही अगर अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है तो 0 months बचे आउटस्टैंडिंग, राइट। सो इन दैट केस अगर हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, प्लस 0 months डिवाइडेड बाय 2 ओनली, दिस विल बी 11 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5.5, राइट। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, हाउ वी विल कैलकुलेट इट बेटा, सिंपली 10,000 वॉज विड्रॉन इन 12 months, तो 120,000 वॉज द होल अमाउंट विच वी हैव विड्रॉन, 8% वॉज द इंटरेस्ट रेट एंड 5.5 divided by 12. This will be the average period, right? Now we have to calculate the interest part, right? Simply 10 into 8, that is 80, and 80 multiplied by 55, that will be somewhere around 4400, right? So this will be 4400, जो कि इंटरेस्ट इनका रहने वाला है। नाउ दिस वाज़ द केस यहां पर हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकालते हैं जब मंथली ड्राइंग्स हमें गिवन हो, राइट, कि मंथली हमें ड्राइंग्स चल रही है सब, और उसके केस में हमने इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया है। तब क्या हो जब ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट से क्वार्टरली गिवन हो, तब भी एवरेज पीरियड जो निकाला जाएगा बेटा वो सेम ही तरीके से निकाला जाएगा, करके देखते हैं, चलिए आइए। So, D case will be when equal amount is withdrawn in the beginning of each quarter. देखो, quarter मतलब होता है बेटा 3 महीने, right? Total में हमारे पास 4 quarters होते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च। स्टार्ट कहां से होता है अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसको पढ़ने का तरीका है एएमजे जैस वेंडी एंड जेएफएम, ऐसे अपन इसको रीड कर, ठीक है। तो पहली जो ड्राइंग की गई है वो की गई है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमारा पहला क्वार्टर कौन सा था बेटा, एएमजे, इसकी बिगनिंग मतलब अप्रैल की बात की जा रही है, और अप्रैल की भी बिगनिंग यानी फर्स्ट जो विड्रॉल किया गया होगा वो कब किया गया होगा, 1 अप्रैल को, राइट। एंड लास्ट जो विड्रॉल हुआ होगा बेटा वो कब हुआ होगा, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, विच इज द 1st of Jan। तो 1 अप्रैल से 31st मार्च टोटल हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, तो यहां पर आओगे बेटा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द 1st Jan, तो 1st Jan से लेके 31st मार्च इन टोटल 3 मंथ्स विल बी देयर, राइट।
And now if we have to calculate the average period, how can we calculate? Simply, earlier it was 12, now it is 3 months divided by 2. So 15 divided by 2, that will be 7.5. So this will be the average period for us. Now in our case, अगर क्या हो बेटा, अब देखो कैलकुलेशन फिर वही रहेगी कि भाई अपन ने विड्रॉ जितना अमाउंट किया मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे, एंड देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12. क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन सेम रहने वाली है, ठीक है? वही जो हमने एग्जांपल्स ऊपर पढ़े थे, वही एग्जांपल्स हम यहां पर भी पुट ऑन कर सकते हैं. नाउ ई केस इसी में आता है, व्हेन इक्वल अमाउंट इज withdrawn in the middle of each quarter. हर quarter के mid में हमने equal amount withdraw किया है. Quarter कौन कौन से थे? April में जून, July August September, October November December and January February March. ठीक है? तो first जो drawing की गई होगी बेटा middle of each मंथ की बात की, क्वार्टर की बात की जा रही है. तो दिस वाज़ द फर्स्ट क्वार्टर. इसका मिडल मतलब हम बात कर रहे हैं मई की, और मई का भी मिड यानी हमने फर्स्ट ड्राइंग जो की होगी वो कब की होगी बेटा? 15th ऑफ मई को, राइट? दैट वी विल राइट हियर. फिफ्टींथ ऑफ मई, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड, जो लास्ट ड्रॉइंग है वो कब की गई है? सो लेट्स सी, लास्ट क्वार्टर JFM था, इसका मिडिल मंथ वॉज फेब्रुवरी. तो लास्ट जो ड्रॉइंग की गई वो कब की गई होगी बेटा? 15th ऑफ फेब. अब हमें देखना है फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद में कितना अमाउंट हमारे पास रहा है, कितने मंथ हमारे पास रहे हैं. तो फ्रॉम 15th में टिल 31st मार्च वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स आउटस्टैंडिंग. And from 15th of Feb also we have to calculate the till 31st of March. Now let's calculate the amount या कितने हमारे पास months हैं वो हम calculate करते हैं. देखिए बेटा, half month of May, then June पूरा, July पूरा, August, then September, October, November, December, January, February and March, right? So in all we can calculate this much. कितने month हुए? 10 तो whole months, ठीक है? And 0.5 months of May. तो total will be 10.5 months, right? Now let's see, last जो drawing की गई थी बेटा 15th of Feb को की गई थी. That means 0.5 month तो Feb का and March का whole month if we calculate. तो 0.5 प्लस 1 विच विल बी 1.5 मंथ्स, राइट? तो एवरेज जब हम पीरियड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 10.5 मंथ्स तो वो वाले जो भी हमने ऊपर देखे यहां पर बेटा, ये वाले, राइट? एंड 1.5 मंथ्स जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसकी बात करेंगे. सो हियर वी हैव 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2. दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 6 मंथ्स, राइट? दिस विल बी द एवरेज पीरियड फॉर अस. अब दिस इज द कैलकुलेशन फॉर एवरेज पीरियड व्हेन इक्वल अमाउंट इज बीइंग विड्रॉन बाय द पार्टनर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर. व्हाट इफ द पार्टनर विड्रॉज द सेम अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर? हाउ वी विल कैलकुलेट दिस? लेट्स सी बेटा. And this is the last part, which is the when equal amount is withdrawn by partner at the end of each quarter.
राइट, हमें देखना है फर्स्ट ड्राइंग जब की ये चारों क्वार्टर लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग जब की गई होगी, हम बात करें कब की, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये फर्स्ट क्वार्टर है बेटा, इसका एंड मतलब फर्स्ट ड्राइंग की गई होगी 30th ऑफ जून को। हम देखेंगे 30th जून से लेकर के 31st ऑफ मार्च तक कितने मंथ्स हो गए बेटा। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा अपन ने देखा। तो ये देखो यहां तक तो बात हो ही गई है, दैट मींस ये तीन क्वार्टर पूरे पूरे हैं, दैट मींस 9 months हैं होल। एंड लास्ट जो ड्राइंग की गई है बेटा वो कब की गई होगी, लास्ट क्वार्टर के एंड में, यानी कि मार्च के 31st में। तो 31st मार्च से 31st मार्च जब भी कैलकुलेट, तो कितना मंथ्स हुए, 0 months ओनली, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड, फॉर दैट 9 months तो ये वाले लिए हमने, और लास्ट ड्राइंग के बाद में जितने आउटस्टैंडिंग मंथ्स थे उनको लिया बेटा, और सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से डिवाइड कैसे किया, टोटल हम देखते हैं तो कितना हुआ बेटा, 9 + 0 डिवाइड बाय 2 विल बी 4.5। दिस इज द अमाउंट जितना इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इफ वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन, अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आई होप अब ये सब चीजें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। अच्छे से एक बार इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट वाइज हमने आज जो है पूरी क्लास रखी है, राइट। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली होगी, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि हम भी और ज्यादा एनर्जाइज हो सके, हमें भी एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से। तो हम चाहते हैं कि और ज्यादा हमें पॉजिटिव कमेंट्स मिले, जिससे हम और बेटर की तरफ जो है वो मूव ऑन करें। Okay, thank you so much.